नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फरीदाबाद के NIT सेवा केंद्र पर ऑल इंडिया फोरम ऑफ MSME की जिला इकाई का स्थापना कार्यक्रम, शामिल हुए कई बुद्धिजीवी और व्यापारी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में आयोजन, सम्मेलन शिविर और रैलियों के माध्यम से फैलाई जन जागरूकता। और कल्पतरु परियोजना के तहत जारी है देश भर में वृक्षारोपण, 75 दिनों में 75 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य। अब खबरें विस्तार से। भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की आवाज उठाने वाले एवं सरकारी स्कीमों का लाभ दिलाने वाली संस्था ऑल इंडिया फोरम ऑफ MSME की जिला इकाई का स्थापना कार्यक्रम फरीदाबाद के NIT सेवा केंद्र पर आयोजित हुआ, जिसमें ऑल इंडिया फोरम ऑफ MSME के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर कपूर, राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार चौधरी, MSME के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी KK गोयल, अशोक कुमार नेहरा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK ऊषा ने मूल्यों पर आधारित व्यवसाय करने की बात कही और राजयोग मेडिटेशन के विस्तार से जानकारी दी। इस पूरे कार्यक्रम का कुशल संचालन राजयोग शिक्षिका BK पूनम द्वारा किया गया। हर प्रोफेशन में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स आती है, अपने अपने जो है दिक्कत आती है, तो उन प्रॉब्लम्स को स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के माध्यम से किस तरीके से हमको सॉर्ट आउट करना है, कैसे उनके सॉल्यूशंस का हल ढूंढना है, तो ये यहाँ पर राजयोग मेडिटेशन के थ्रू सिखाया जाता है। मुख्य अतिथि के तौर पर आए बुद्धिजीवियों ने फरीदाबाद की इस जिला इकाई सदस्यों को सर्वप्रथम बधाई दी और इस बात की उम्मीद जताई कि इस औद्योगिक नगरी के व्यापारियों के सपने साकार करने में यह यूनिट अहम भूमिका निभाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्था अपने 20 प्रभागों के माध्यम से पूरे भारत में सड़क सुरक्षा, आत्मनिर्भर किसान, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, राजयोग शिविर, मेडिकल कैंप जैसे कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिनमें से कुछ कार्यक्रमों की झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली खबर राजकोट की, जहां सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली के पहुंचने पर पंचशील सोसाइटी अवधपुरी सेवा केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और पूरे शहर में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरो से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन। ऐसे ही ओडिशा के कटक, डेंकनाल और केंदुझर, हरियाणा के कादमा, मध्य प्रदेश के मंडला, उत्तर प्रदेश के हाथरस, उत्तराखंड के काशीपुर में संस्था के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री लक्ष्मी होगी, नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी,
वीरों से आकाश भरा। इसी तरह से मध्य प्रदेश के इंदौर, जबलपुर, राजगढ़, ग्वालियर, रीवा और मंदसौर में अभियान, संगोष्ठी और रैलियों का आयोजन किया गया। सितारा विश्व भाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी। अब अंत में देखिए हैदराबाद के शांति सरोवर, छत्तीसगढ़ के कोरबा, उत्तर प्रदेश के आगरा की खबरें, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व भाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा, सत्धर्म के चारों। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा लॉन्च किए गए कल्पतरु अभियान के तहत पूरे देश भर में हजारों जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान में ब्रह्मा कुमारी द्वारा 75 दिनों में 75 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके चलते देश भर में वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया। आइए दिखाते हैं उसकी झलकियां। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है, तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है, तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, सोने की चिड़िया और विश्व गुरु मेरा भारत कहलाता है। यहाँ सुंदर सुंदर रंगों से मौसम सबको बहलाता है। सोने की चिड़िया और विश्व गुरु मेरा भारत कहलाता है। यहाँ सुंदर सुंदर रंगों से सबको बहलाता है। चेहरों पर सबके दिखती यहाँ एक प्यारी सी मुस्कान है, तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है, तभी तो मेरे भारत की दुनिया में शान है। दिया है जिसने सबको सदा, हर मजहब है मेरे भारत में, फिर भी मिलकर सब रहते हैं। यहाँ मात पिता को दिल से सभी अपना भगवान भी कहते हैं। हर मजहब है मेरे भारत में, फिर भी सब मिलके रहते हैं। यहाँ मात पिता को दिल से सभी अपना भगवान भी कहते हैं। दिव्य गुणों में देश मेरा सबसे बड़ा धनवान है, तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी।
की शान है। दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा। तो सच में दाता है, संबंध ये खूब निभाता है। ये इतना पावन पावन है, यहाँ ता भाग्य विधाता है। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।